सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल द वर्ल्ड का, आर्क प्रामुल्फियो प्लस आर्क इटर्नल मल्टीप्लेयर का। और आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर देना। और आज के इस वाले एपिसोड में जो है गाइस, हम लोग मचाने वाले तबाही, क्योंकि हाँ गाइस, और एक और चीज़ मैंने ना ऑफलाइन में थोड़ी सी ग्राइंडिंग करी है गाइस। यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे कल शाम को एक करी थी लाइव स्ट्रीम, उस लाइव स्ट्रीम में ना मैं इस वाले वर्ल्ड में खेला था और थोड़ी ग्राइंडिंग करी थी। अभी वो ग्राइंडिंग क्या करी है ना गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले जुड़े बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो ना गाइस वो जरूर से कर देना। हमारा सब्सक्राइब गोरे 1 लाख सब्सक्राइब का, मतलब भाई समझ लो हम पहुंच ही गए यार 1 लाख सब्सक्राइबर पे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने भी नहीं करा होगा तुम्हारे भाई के लिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर का गोल जो है कंप्लीट करने में हेल्प कर देना सब्सक्राइब करके। बाकी पिछले एपिसोड में मैंने क्या करा पता, एपिसोड मतलब जो लाइव स्ट्रीम करी थी ना मैंने अपने चैनल पे, आप लाइव सेक्शन में जाओगे वहां पे वो लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी। तो उसमें ना हम लोग ने गाइस सबसे पहले तो ब्राचियोसोरस 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3, सारे के सारे फीमेल ब्राचियोसोरस सबसे पहले मैंने पकड़ लिए गाइस यहां पे। हां, इसके लिए गाइस मुझे अल्फा किबल बनाने पड़े, उसके लिए मैंने टॉक्सिक ब्लड वगैरह जो है वो लाइव स्ट्रीम में इकट्ठा करा। और आप देख सकते हो भी हमारे पास 3 3 खतरनाक से ब्राचियोसोरस जो है गाइस वो यहाँ पे अवेलेबल है भाई। डायरेक्टली 3 3 ब्राचियोसोरस हमारे पास गाइस यहाँ पे आ चुके हैं। और इनके जो है ना गाइस, मैंने अंडे भी यहाँ पे निकाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके अंदर आपको 15 अल्फा अंडे जो है गाइस वो देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे अंडे जो है ना गाइस, जो बाहर खड़े हुए ब्राचियोसोरस है उनको हीलिंग पोशन खिला के मैंने कल वाली जो लाइव स्ट्रीम थी उसी में निकाल दिए थे। तो जो ग्राइंडिंग का काम था ना वो तो गाइस अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अल्फा वाले अंडे भी हमारे पास आ चुके हैं जिसके हम लोग को इतने टाइम से जरूरत थी। तो हम हमारा अगला वाला जो किबल है वो बनाते जो रहेगा गाइस एलिमेंटल किबल। तो एलिमेंटल वाले भी 2 3 में डायनोस यहाँ पे पकड़ना चाहूंगा मैं। 10 साथ ही किबल बना पा रहा हूँ, क्यों? 12 अंडे, अल्फा ब्लड की कमी पड़ रही है आई थिंक से, अल्फा ब्लड की कमी पड़ रही है अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये रो अल्फा ब्लड भाई बनाओ 10, नहीं यार किस चीज़ की कमी पड़ रही होगी इसके लिए। कुक्ड मीट तो नहीं भाई है मेरे पास, रुको कौन सी चीज़ की कमी पड़ रही है, रुकना एक बार देखने दो मुझे एलिमेंटल किबल बनाने में मुझे कौन सी चीज़ की कमी पड़ रही है अभी। अल्फा अंडे की 2 7 14, अरे हाँ रे यार गाइस अल्फा अंडों की कमी पड़ गई, 7 किबल बन गए हैं। अभी इन्हीं किबल से ना हम लोग को यहाँ पे टेम करना है गाइस एलिमेंटल वाला डायनो, और उस एलिमेंटल वाले डायनो के अंडों से हम एपेक्स किबल बना पाएंगे और एपेक्स वाले डायनोस को पकड़। एपेक्स वाला तो मुझे एक भी डायनो वैसे दिखा नहीं है पूरे मैप पे, बट फिर भी हम एपेक्स वाला उससे जो है गाइस डायनो पर टेम कर पाएंगे। और उनसे जो अंडे मिलेंगे एपेक्स वाले, उससे फिर हम लोग जो है गाइस पहुँचेंगे ओमेगा तक, और ओमेगा से हम पहुँचेंगे फेबल, और फेबल के बाद यार यहाँ पे हम पहुँचेंगे डायरेक्टली सिलेस्टियल और डिमोनिक तक। चलो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, वो टाइटन गॉड वगैरह जो है ना गाइज, वो टाइटन गॉड मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेना, अगले वाले एपिसोड में आपको टाइटन गॉड देखने को मिलेगा। अभी जल्दी जल्दी से ना मैं पहले ये अंडे वगैरह देने वाले जो डायनोस है ना उनको पकड़ लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद जो है गाइज आपको टाइटन गॉड वगैरह जो है गाइज वो मैं दिखाता हूँ। अभी हमारे आउल के ऊपर बैठते हैं और जल्दी जल्दी ना मैं आइस वाले बायोम में जाता हूँ, क्योंकि आइस वाले बायोम में ना, अरे यार मेरे इन्वेंटर में कितना ज़्यादा कचरा है। हाँ, और एक और चीज़, मैंने ना कल वाली लाइव स्ट्रीम में ना थोड़े से बॉसेस को भी मारा है, उसकी वीडियो में आपको वो लाइव स्ट्रीम कट करके जो है ना गाइस उसकी वीडियो अगले एपिसोड में दिखा दूंगा। उसमें मेरा जो है ना गाइस यहाँ पे फाइनली ट्रांसमीटर जो है गाइस वो खुल गया था, ये देखो ये वाला ट्रांसमीटर खुल गया था। बट मुझे बाद में ये ट्रांसमीटर मैंने बना भी लिया इस रेप्लिकेटर के अंदर, ये देखो हमने रेप्लिकेटर भी बना लिया था, उसके अंदर मैंने ट्रांसमीटर भी बनाया। देन उसके बाद जाके मुझे क्या पता चलता है बताए, ये जो ट्रांसमीटर है इसमें हम लोग डायनो की लोकेशन नहीं ढूंढ सकते हैं गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो ट्रांसमीटर है वो नॉर्मल ट्रांसमीटर है, हमको चाहिए होता है यस वाला ट्रांसमीटर, SS ट्रांसमीटर होता है, उसी में हम डायनो की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए ये ट्रांसमीटर मैंने तोड़ दिया और रिसोर्स वापस ले लिए, और वो रिसोर्स ये रहे देखो, ये देखना। तो हमारे साथ गाइस यहाँ पे स्कैम हो चुका है, इस वाले सर्वर में हम डायनोस की लोकेशन जो है गाइस वो देख नहीं सकते, हम लोग को जो है ना गाइस यहाँ पे जाके डायनोस को ढूंढना पड़ेगा। और यही सबसे ज़्यादा जो है ना गाइस बुरी बात मुझे यार इस वाले सर्वर की लग रही है भाई अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि भाई बिना डायनोस को ढूंढे जो है ना गाइस उनको मतलब ट्रैक करे भाई ऐसे ढूंढने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ट्रांसमीटर होता है ना तो भाई काम 25 हो जाता है भाई। 10 बन रहे क्या?
अब ब्लड नहीं था, चलो थोड़े हीलिंग भी मैंने बना लिया है, बाकी जो मैं फालतू का सामान है यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी हमारे लिए गेम थोड़ा डिफिकल्ट तो होने वाला है क्योंकि ट्रांसमीटर यहाँ पे वर्क नहीं करता है, तो मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा एक एक करके डायनोस को, जिसमें लगने वाले यार बहुत ज़्यादा टाइम। और ये जो आप स्टोन देख रहे हो, ये स्टोन मुझे मिला है भाई कल वाली बॉस फाइट में जो मैंने लाइव स्ट्रीम में ली थी, वो भी हमारे सब्सक्राइबर के साथ ली थी। उसकी मैं वीडियो जो ना कि सबको अगले वाले एपिसोड में दिखा दूंगा, जिसमें टाइटन गॉड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यार ब्लू वाले और ये वाले क्रिस्टल बहुत ज़्यादा मिले मेरे को, इलेक्ट्रॉनिक देखना कितना ज़्यादा मिला है। बॉस इसेंस बॉस भी मारे थे मैंने, तो बॉस इसेंस भी मेरे पास पड़ा हुआ है। रुकना, मैंने गलती से सोल बॉल डाल दिया यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ें जो है ना कैसे सारे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि इनकी ना ज़रूरत नहीं है। खाली पॉकेट जो है ना कैसे मेरा इन्वेंट्री ना फुल करने का भाई काम कर रही है चीज़ें, तो इनको मैं यहाँ पे जो है ना कैसे डाल देता हूँ। देखो केकड़े बिकड़े का नाखून वगैरह, भाई क्या करूँ मैं केकड़े के नाखून से, भाई क्या ही करूँगा भाई। ये सारी की सारी चीज़ें जो है कैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, केकड़े के नाखून से पता नहीं भाई क्या करना है। ये एरो वगैरह रहने देते हैं, चलो आ जाओ अभी कहीं जल्दी जल्दी चलते और फटाफट से एक एलिमेंटल वाला डायनो पकड़ के लाते हैं लो लेवल का, क्योंकि सात ही केबल हमारे पास है। और इस वाले सर्वर में ना मुझे ब्रोंटो को टेम करने के लिए कितने केबल मांग रहे थे बताए, मैं गामा बढ़ा देता हूँ। रुको गाइस, मुझे मांग रहे थे 12 केबल एक ब्रोंटो को टेम करने के लिए, 12 केबल भाई मजाक हो रहा है क्या। तो सोचना भाई, मैं जा रहा हूँ अभी एलिमेंटल डायनो को पकड़ने के लिए, उनको टेम करने के लिए कितने की बल मांगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार लो लेवल का मुझे कोई एलिमेंटल वाला फीमेल डायनो मिल जाए जिसको मैं जो ना कि टेम कर सकूँ, एंड उसी को ढूंढने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पे। मैंने आइस वाले बाग में ना काफ़ी ज़्यादा मेगा रैप्टर और दूसरे जो भाई डायनोज है ना वो देखे थे, तो उनसे जो है ना गाइस हमको किबल वगैरह तो ईजिली मिल ही जाएंगे यार। ठीक है, एलिमेंटल वाले किबल नहीं सॉरी अंडे मिल जाएंगे यार एलिमेंटल वाले, जिससे हम किबल बना पाएंगे। यार ये सब कुछ खाली क्यों है? ओके और ये रही ना फीमेल है और मेल भाई एक, और व्हाट ओनली वन किबल, बट हाउ कैसे भाई? अल्फा डायनोस को टेम करने के लिए तो भाई 8-10 किबल मांग रहे थे। तो वाइवरन कहाँ पे है? वाइवरन को लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलिमेंटल डायनो है ना, तो कभी भी किसी को भी नॉकआउट करना पड़ सकता है, तो वाइवरन को मैं बाहर निकाल के रख लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा यार अल्फा भाई डायनोस को भाई टेम करने के लिए भर भर के किबल, और ये एलिमेंटल वाले डायनोस को टेम करने के लिए बस एक एक किबल। यार ऐसे थोड़ी होता है यार, ये तो गद्दारी कर रहे यार ये लोग। यार मेल नहीं चाहिए हमको, फीमेल चाहिए यार, मेल थोड़ी अंडा देगा मेरे को यार, मेरे को फीमेल चाहिए, मुझे फीमेल वाली डायनो जो है वो ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे किसी ने तो बॉस वाला वो लगा रखा है, वाइवरन शाइवरन ने गीगा विगा भाई यहाँ पे पड़े हुए हैं, और मैंने गीगा भी टेम कर रखा है यार, वो भी आपको दिखाने, कितने सारे डायनोज जो टेम करे वो दिखाने हैं, दिखाऊंगा रुको। आज पहले मुझे ये एलिमेंटल वाले डायनोज पकड़ने दो पहले गाइस, इनको भाई पकड़ के ना मैं वैसे ही रखूंगा, तो इनके अंडे जो है ना जो कलेक्ट होते रहेंगे। पैरेट वगैरह अंडे नहीं देता गाइस, पैरेट अंडे नहीं देते, उनको पकड़ के कोई फायदा नहीं है। मेगा रैप्टर या फिर हमारी कौन है फेदर लाइट, ये सब अंडे देते हैं भाई बहुत ज़्यादा एलिमेंटल वाले। यार यहाँ पे आज भाई मेरे को लाइव स्ट्रीम में तो यहाँ पर भर भर के यार एलिमेंटल वाले डायनोस दिख रहे थे। वो रही भाई फीमेल है, अच्छा ये फीमेल है भाई, एक किबल चाहिए बट वहाँ पे। अरे यार उसको गीगा खा गया, मेरी फूटी किस्मत यार, गीगा चुमन भाई उसको खा गया यार वो गीगा, एक दिखी थी मेरे को इतने टाइम बाद फीमेल, उसको भी खा गया यार गीगा का बच्चा। हाय हाय क्या ही बोले यार, अब फीमेल है मैडम जी, अब फीमेल हो आप, फीमेल हो ना, फीमेल हो ना, ठीक है आपको एक पप्पी देता हूँ, रुको पप्पी लो मेरी, ये ले भाई पॉइजन इफेक्ट, क्या हो गया? हाँ ठीक है चल बेहोश हो गया भाई, नीचे गिर जा भाई, ठीक है। अरे ये तो लाइट वाली है, इसके लिए एलिमेंटल एडवांस चाहिए होंगे, एलिमेंटल एडवांस की बल चाहिए होंगे इसके लिए, गलत गाइस हम लोग ने नॉकआउट कर दिया, रुको इसको मैं हार्वेस्ट ही कर लूँ फिर। डार्क वाली थी ये क्या? डार्क वाली थी शायद से, सिलेस्ट्रियल वाला वाइवरन है भाई, इससे तो 400 किलोमीटर दूर ही रहूंगा। ये रही कौन सी डार्क है, ये डार्क वाली क्यों दिख रही है मेरे को, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, डार्क डार्क हर जगह पे डार्क ही भाई, समझ ना आ रहा मुझे भाई। इसलिए मैं बोला भाई इनको मैं पहले टेम कर लेता हूँ यार, है तो बहुत ज्यादा लेकिन जो है वो मेल है, और जो भाई मिल रही है वो डार्क वाली वेरियंट मिल रही है हम लोग को, अलग ही चोमुगिरी चल रही है भाई आज तो। प्राइम रेक्स भी है यहाँ पे, ठीक है गीगा भाई ठीक है, रुको और ढूंढता हूँ मैं भाई, लाइटनिंग वीटनिंग पॉइजन विजन वाली जो है मुझे चाहिए होगी मेगा रैप्टर। अरे यार भाई एक भी ना दिख रही है अभी तो, एक भी नहीं दिख रही यार सच में यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। रुको मैं अपने आउल को लेके चलता हूँ, आउल थोड़ा सा भाई तेजी से जो है ना इस एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है आउल से हम तेजी से भाई एरिया को कवर कर पाएंगे, और हम लोग को भाई वो
अच्छा ये वाली कौन सी क्लास कौन सी मैडम जी आपकी डार्क आइस वाली? नाइस, ठीक है आइस वाली मैडम जी। रुको गाइस, आइस वाली मेरे को एक मिल गई है, इसको मुझे लाइटनिंग अटैक डालना पड़ेगा। अगर मैं इसको बाइट अटैक डाल देता हूँ तो वो मर जाएगी डायरेक्टली, ठीक है। इसको बस मुझे लाइटनिंग अटैक देना है, बस बस, और दूसरी साइड देखना है। नाइस जी जी, और आजू बाजू कोई खतरा नहीं है, ठीक है वो है बस पीटी वाप है, ठीक है। चलो अभी जल्दी जल्दी से इसको गाइस, अरे मरते मरते बची है भाई ये, मरते मरते एक एक केबल डाल दो ये तुरंत डेम हो जाएगी। एक केबल में डेम हो रही है भाई, नहीं हो रही है, कितना केबल चाहिए? दो 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 दो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। बाकी की केबल आई तीन खाली है यार, केबल तीन केबल खाली है। चलो कोई ना भाई, ठीक है हम लोग को गाइस हमारी फेदर लाइट जो है वो मिल चुकी है। अभी और थोड़े डायनो ढूंढते हैं, रुको एक और ढूंढता हूँ। चार केबल है मेरे पास, पैरेट वगैरह नहीं, पैरेट नहीं है, पैरेट नहीं चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए भाई हमारी पैरिसी फेदर लाइट, मेगा रैप्टर, इसमें से कोई डायनो चाहिए, ठीक है भाई। रात में ना ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा वैसे, और रेडवुड उसने अपने रॉक ड्रेक को देखना कैसे चिपका के रखा हो भाई, भाई वहाँ पे दो डबल शील्ड प्रोटेक्शन, भाई डबल शील्ड प्रोटेक्शन दिए भाई ने अपने बेस को, ठीक है रुको। कहाँ पे मिलेगी अपन को एक और गाइस फेदर लाइट या मेगा रैप्टर? पूरा आइस वाला बायोम जो है गाइस वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, बट यहाँ पे दिख तो नहीं रही है। ड्रैगन वगैरह है यहाँ पे, ठीक है। ओए वाइब्रन का अंडा, आइस वाइब्रन का है भाई, ठीक है यार फ्री में मिल रहा है तो ले लेता हूँ गाइस इसको। ओए स्पिरिट मेगा मिथिकस 220 लेवल बॉस यार, बाप रे भाई भाई वहाँ पे बॉस है भाई, मैं अंडा चुरा के गल्टी मार लेता हूँ भाई, ठीक है। आइस वाइब्रन का अंडा चुरा के दिन में भाई, रात में इसने दिन दिखा दिया। अरे बाप रे भाई साहब, देख रहे हो भाई रात के टाइम पे इसने जो है सवेरा दिखा दिया हमको भाई साहब, यार खतरनाक। आइस वाली मेले ही है, नहीं चाहिए स्पिरिट वाला मेगा पिथिकस भाई, भाई इससे भाई दूर ही रहेंगे हम। ये तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे मेल थे ना दो, ये तो मैं पहले देख लिए। मेरे को फीमेल चाहिए भाई यहाँ पे, आई वॉन्ट फीमेल भाई, आई वॉन्ट फीमेल वाली जो है गाइज वो प्यारी प्यारी सी नन्नी मुन्नी सी भाई मेगा रैप्टर। और ये वाली कौन है, मेल है फीमेल है? यार ये मेल ही क्यों है यार, आर्ची जो है, जो आर्चीज है वो सारी की सारी मेल ही दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ नहीं मिली तो मुझे दूसरे आइस वाले बैम में जाना पड़ेगा, मैं दो तो पकड़ूंगा गाइस कम से कम, ताकि ऑफलाइन में जो है मुझे अंडे वगैरह जो है इनके मिलते रहे। एलिमेंटल वाले अंडे वैसे काफी ज्यादा मिलते हैं आइस ना, हाँ ठीक है एक से हो गए, एक पप्पी जैसीदा बेहोश, इसके अंदर मैं एक कीबल डालता हूँ, फिर तीन कीबल से डेमोन वाले एक और गाइस कोई नाम है यहाँ पे एलिमेंटल वाली डायनो पकड़ने के लिए जाऊंगा, ठीक है। ये लो भाई तीन और केबल बनते भाई, बचते अपने पास, आ जा इधर 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 आ मेरे शेर इधर आ, लेट्स गो बॉयज लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, वो भी बोल दे बॉयज, आ जाओ एक और भाई, एक और एक और एक और एक और आखिरी गाइस, तीन मिल गए ना डायनोस तो मजा आ जाएगा भाई, तीन मिलने चाहिए भाई तीन भाई। रुको नीचे देखता हूँ मैं, क्योंकि उस तरफ तो मैं देख चुका हूँ, नीचे मैंने अभी तक देखे नहीं है गाइस कहीं पे, नीचे देखता हूँ मुझे भाई कोई मिलती कि नहीं भाई यहाँ पे आइस वगैरह वाली जो है ना डायनो, ओके कोई भी नहीं दिख रहा। वो प्राइमल अगर उसके डायनो पे हमला करे भाई मिनी निंजा पे तो क्या होगा भाई, मिनी निंजा भगवान के पास पहुंच जाएगा यार। वैसे अगर कोई और होता ना तो उसको मरवा देता, बट मैं नहीं मरवा रहा हूँ। चलो आ जाओ, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ शांति से। ये वाले कौन है, फीमेल हो यार, आइस आर्ची जो है ना जो सारी की सारी मेल ही मिल रही है मेरे को, पता नहीं क्या सीन है भाई, बड़े आइस वाले आर्ची सारी की सारी मेल ही दिख रही है मुझे, ठीक है। तो ये वाला आइस बैम तो हम लोग ने पूरा भाई क्लियर कर लिया, ठीक है एक काम करता हूँ मैं, और ऊपर फिरॉक्स भाई है, एक काम करता हूँ इसको उठाते हैं, आउल को लेते हैं, हमारे पास अभी थोड़ा और केबल पड़ा हुआ है। और एक मिनट, क्या मुझे फायर ग्रिफिन वगैरह भाई इतने सस्ते में मिल जाएगा एलिमेंटल वाला? तो मैं फायर ग्रिफिन टीम कर लूँ ना गाइस तीन केबल से, अगर मिल रहा हो तो, क्या बोलते हो गाइस? भाई देखता हूँ रुको, भाई ग्रिफिन टीम कर लूँगा यार, अपना फर्स्ट ग्रिफिन आएगा हमारे पास। हाँ बस मिलना चाहिए यार, मिलना चाहिए, देखता हूँ रुको गाइस, मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे फायर वाला या फिर लाइटनिंग वगैरह वाला कोई ग्रिफिन है क्या हाई लेवल का, अभी तक तो कोई नहीं दिखा इस वाले एरिया में, देखता हूँ रुको यहाँ पे मिलने के चांसेस है ग्रिफिन के। अरे यार अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कोई भी ग्रिफिन जो है वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार
जी भाई मेरे पास अभी किबल है तो मेरे को ग्रिफिन नहीं मिल रहा। उस दिन तो मुझे काफी सारे ग्रिफिन दिख रहे थे। चलो मैं यहाँ ये कौन सा वाला सिलेस्टियल है। अरे यार सिलेस्टियल नहीं डेम कर सकता हूँ अभी फिलहाल के लिए, किबल ही नहीं है मेरे पास। रुको यहाँ पे देखता हूँ मैं आइस वाली ओमेगा रैप्टर वगैरह जो ना जो घूम रही है क्या, ताकि उनको जो ना मैं टेम कर सकूँ। फायर ग्रिफिन है ना, इट्स फायर ग्रिफिन। तीन किबल, एग्जैक्ट तीन किबल भाई, 540 भाई ले ले भाई, लेट्स गो गाइस। तुम्हारे भाई को फायर ग्रिफिन मिलने वाला है अभी, तुम्हारे भाई को भी फायर ग्रिफिन मिलने वाला है भाई। रुको भाई रुको, वाइवरन कहाँ है मेरा भाई, लेट्स गो गाइस। हमारा फर्स्ट ग्रिफिन जो है वो हमारे पास फाइनली यहाँ पे आने वाला है भाई। मजे ही मजे, मजे ही मजे। आ जाओ गाइस, बस बस इतना ही मारना है, ज्यादा नहीं मारना, ज्यादा नहीं मार रहा हूँ, बेहोश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भाई आखिरी के बचे हुए जो तीन किबल है वो डाल के मैं इसको टेम कर लूंगा। तुम्हारे भाई का फर्स्ट फायर ग्रिफिन जो है गाइज वो यहाँ पे आ चुका है। ले बेटा ओ जा टेम। ओ यस, मेरा फेवरेट ग्रिफिन भाई, मेरा फेवरेट ग्रिफिन जो है वो मैंने टेम कर लिया 800 लेवल। लेट्स गो बॉयज, मजा आ गया भाई। आ जाओ घर पे, चलो भाई मजे ही मजे आ गए भाई, मजे ही मजे आ गए गाइज, फुल मजे ही मजे आ गए। और हमारे पास अभी एलिमेंटल वाले भी तीन डायनो पकड़ लिए ना मैंने। रुको गाइस, पहले ना मैं ग्रिफिन आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ना मुझे वो फेदर लाइट वगैरह जो है ना किसी उनको बाहर निकालने दो, क्योंकि उनका काम है गाइस यहाँ पे अंडे शंडे देना, तो पहले उनको वो काम करने दो गाइस। ठीक है यहाँ पे ऑल, ये क्या चीज़ है भाई, पॉइजन वाइब्रन है, ये क्या है फायर ग्रिफिन, और ये क्या चीज़ है भाई, आइस मेगा रैप्टर। आइस मेगा रैप्टर को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो इनको हम लोग यहाँ पे निकाल के रख दूंगा मैं। ये अंडे देना शुरू कर देंगे भाई तुरंत, ये अंडे अगर नहीं देंगे तो हम लोग भाई कलेक्ट कर लेंगे यार जबरदस्ती इनसे अंडे। जा भाई तो बीच में नहीं जा रहा, इधर जा। ठीक, अरे तो मेरा आउल है, दो ही पकड़े क्या मैंने गाइस, मैंने सिर्फ दो ही पकड़े क्या एलिमेंटल वाले डायनोस, एक तो ये मेगा रैप्टर और एक शायद से फेदर लाइट। ये दो ही डायनोस, मुझे लगा मैंने थोड़े ज्यादा डायनोस पकड़े यार, बट अनफॉर्चुनेटली हमने दो ही डायनो पकड़े। चलो कोई ना, मैं इनसे ना पहले भाई जल्दी जल्दी से अंडे निकाल लेता हूँ। ठीक है, अंडे निकालने की निंजा टेक्निक सिंपल है भाई, इनके अंदर मुझे एक एक्सपी पोशन डालना है, उसके बाद डाल देने भाई थोड़े से हीलिंग पोशन। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है मुझे, इसके अंदर डाल देना है मुझे एक एक्सपी पोशन, लार्ज वाला नहीं स्मॉल वाला भाई, स्मॉल एक्सपी पोशन, और थोड़े से डाल देने गाइज यहाँ पे हीलिंग पोशन। ठीक है, अभी गाइज हम लोग इनकी बढ़ाएंगे हेल्थ, और देखना कि इस अंडे कैसे हम लोग को मिलेंगे अभी। ठीक है, हेल्थ में पॉइंट डालूंगा बढ़ा के। आए आए, जंप विंप मार रहा भाई, जंप जंप मार रहा है भाई। ठीक है चलो, अभी कहीं जिसको हम लोग खिलाएंगे यहाँ पे हमारा ये वाला हीलिंग पोशन, और उससे हम लोग को मिलेंगे भर भर के एलिमेंटल वाले। अभी तक तो एक भी अंडा नहीं दिया अभी तक। अरे मिल गया, ये देखो फर्स्ट अंडा, अरे सेकेंड अंडा भाई, अंडों की बारिश हो रही है भाई, अंडों की बारिश हो रही है। रुको रुको, और अंडे भाई, और अंडे और अंडे और अंडे और अंडे दे भाई, और अंडे। रुको हाँ भाई, ये लो भाई थर्ड अंडा, लो भाई चौथा अंडा भाई, भर भर के अंडे मिलने वाले एलिमेंटल के। एलिमेंटल वाले डायनोस जो ना कि वो काफ़ी ज़्यादा जो ना कि जल्दी जल्दी अंडे देते हैं यहाँ पे वैसे। रुको, इसकी हेल्थ और बढ़ा देता हूँ, और हेल्थ बढ़ाऊंगा भाई, और अंडे जो है वो यहाँ पे इसके मैं निकालूंगा। ठीक है, और अंडे निकालेंगे हम लोग। रुको, इसने 5 अंडे दिए ना अभी, ये रहो भाई, मेरे हिसाब से ये 10 अंडे दे देगा गाइस। ठीक है, 7 अंडे तो शायद से इसने दे दिए यहाँ पे, और पॉटी भी भाई उसी हिसाब से कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा। शायद से इसके अंडे जो है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अभी कोई भी अंडा ये दे नहीं रहा। ठीक है चलो, मैं हाँ एक आखिरी वाला अंडा दे दिया जाते जाते, चलो कोई सीन नहीं है। अभी इसके भी साथ हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे। ठीक है, ये ले बेटा भाई, इमोट बाद में मार रहा अंडे। अरे इसने दे भी दिया एक अंडा, इसने एक अंडा दे भी दिया गाइस यहाँ पे। ठीक है कम ऑन, ओ दूसरा भी अंडा दे दिया गाइस, ओ तीसरा भी अंडा दे दिया भाई, तीसरा अंडा भी गाइस यहाँ पे दे दिया भाई हमारी फेदर लाइट ने। ठीक है रुको, इसकी हेल्थ और बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। ओ चौथा अंडा भी दे दिया, पूरी हेल्थ और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है रुको, जल्दी जल्दी से जो है गाइस दबा के इसकी हेल्थ में जो है ना गाइस पॉइंट डाल देता हूँ भाई, भर भर के पॉइंट डाल देते हैं इसकी हेल्थ में। ठीक है चलो, अभी गाइस थोड़े से और 5-6 अंडे मिलेंगे मेरे हिसाब से, 20 नहीं तो 17-18 अंडे तो मेरे पास जो है ना एलिमेंटल वाले होने चाहिए। ठीक है, अभी जो मैंने भाई यहाँ पे इनसे कलेक्ट करे उन अंडों की बात कर रहा हूँ मैं, और ये सब कुछ करते करते सवेरा जो है गाइस वो भी हो गया भाई यहाँ पे। ये लो भाई, अंडों पे अंडे दिए जा रहे हैं मेरी फेदर लाइट भी, और ये लो भाई एक और अंडा। चलो इसकी हेल्थ फुल हो चुकी है अभी। ठीक है, तो गामा में थोड़ा कम कर लूँ ना गाइस, गामा में 3 कर लेता हूँ। तो गाइज ये रहा मेरा आइस मेगा रैप्टर, और ये अच्छा नहीं, ये रही मेरी आइस मेगा रैप्टर, और ये रही मेरी
आइस वाली फेदर लाइट, ठीक है। इनको हम लोग ने सिर्फ अंडे देने के लिए यहाँ पे जो ना गाइस टेम करा है, तो इनकी एबिलिटी वगैरह अभी हम चेकआउट नहीं करेंगे। वैसे भी उतने ज्यादा जो ना गाइस खतरनाक वाले नहीं है। इन्होंने कितने एलिमेंटल अंडे दिए? 15 एलिमेंटल अंडे दे दिए भाई, 15। मजाक हो रहा है क्या भाई? 15 अंडे आ चुके एलिमेंटल वाले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे फायर वाले ग्रिफिन को, ठीक है। ये वाइवरन का अंडा जो है ना गाइस, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। रुको गाइस, इस वाइवरन को अंडे को ना मैं ऊपर लेके जाके फ्रिज में रख देता हूँ यहाँ पे। और मुझे एक हैचरी भी बनानी है जिसके अंदर मैं अंडे वगैरह जो है ना गाइस वो हैच कर सकूँ, ठीक है। वो भी बना लूँगा बहुत ज़्यादा जल्दी। रुको, पहले मुझे अभी यहाँ पे अपना फायर वाला जो ग्रिफिन है उसको बाहर निकाल के भाई तबाही मचाने दो। ये रहा अपना फायर ग्रिफिन। फायर ग्रिफिन जो है ना गाइस, वो प्राइमल फियर वाला ना मेरा एकदम फेवरेट ग्रिफिन है गाइस। मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है फायर ग्रिफिन। क्यों पता है? इसके पास जो है ना गाइस कौन सा अटैक है स्पेशल पता है? ये वाला देख रहा तो भाई, किस तरीके से आग फेंक रहा है भाई, देखो तो। ओए ओए, इसलिए गाइस मुझे फायर ग्रिफिन काफी ज्यादा पसंद है। अभी जितनी जल्दी हो सके ना भाई की भाई मेरे को लेवल अप करनी है भाई, तगड़ी वाली भाई। फायर ग्रिफिन की एकदम तगड़ी वाली लेवल अप करनी है मुझे। रुकना गाइस भाई, बढ़िया से भाई डायनोस को मार मार के लेवल अप। अरे मूसा भाई, मूसा भाई को फायर ग्रिफिन से मारे नहीं। अरे हेल्थ भाई थोड़ी सी ज़्यादा ही है मूसा की। मैं ग्रिफिन की हेल्थ कितनी कर दूँ गाइस? ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, फिर इसके भाई डैमेज में मैं ज़्यादा पॉइंट नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है। मैं इसको हीलिंग पोशन पिला देता हूँ, रुकना गाइस ये ले, ठीक है। लगभग 15 मिलियन हेल्थ कर लेते हैं और थोड़े डैमेज में पॉइंट डालते हैं। 15 मिलियन हेल्थ है ना? हाँ 15 मिलियन। अब वैसे ज़्यादा नहीं है बताया मेरे को 15 मिलियन हेल्थ, बट मेरा फर्स्ट ग्रिफिन है भाई ये फायर वाला ग्रिफिन। इसके लिए बढ़िया से जो है ना गाइस ओपी वाले नाम नीचे कमेंट में डाल देना गाइस अपने फायर ग्रिफिन के लिए, ठीक है। मैं जो ना गाइस इसको ही चलाऊंगा अभी। हाँ अगर कहीं पे दूर दूर जाना हो तो आउल को लेके जाऊंगा। अरे नहीं एक मिनट रुक जाओ, मैं इसमें स्पीड बूस्ट वाला जो गाइस एक होता है ना चीज़ वो डाल देता हूँ, ठीक है। उससे जो है ना गाइस इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरे ग्रिफिन के। ओए होए, क्या मार रहा है डैमेज की तो 2.5 मिलियन डैमेज पड़ रहा है यार। अभी तक तो मैंने इसकी लेवल अप भी नहीं करी है। रुकना गाइज, जल्दी जल्दी भाई की लेवल अप करते हैं। डैमेज काफी बढ़िया पड़ रहा है, मुझे लग रहा है 10 मिलियन तक का डैमेज जाएगा इसके डाई बॉम्ब का। 3 मिलियन, 5 मिलियन तो क्रॉस करने वाला है गाइज इसका डाई बॉम्ब वाला जो अटैक है। 5 मिलियन तो इजीली भाई यहाँ पे जो ना गाइज क्रॉस कर देगा। सुपर रेयर गीगा इज अपेयर्ड ऑन नियर एट 35-45। चलो गाइज रुको, ये चीज क्या है जरा एक बार देख लूं। सुपर गीगा, सुपर रेयर गीगा 35-45, जरा देखे तो भाई ये चीज क्या है। 35-45 बीकन आर्मर गार्डन भी आ चुका है भाई मैप पे। 35-45 भाई, ठीक है। रुको गाइस, 35-45 ना, 35-45 पे चलो भाई। पहले 45 इधर ही है ना, अब 45 पे आ गया। अभी 35 बोले तो इधर। अब मैं तो वहीं से आया हूँ, मैं तो अभी यहीं से आया भाई। कहाँ पे भाई? सुपर रेयर गीगा 35-45, ठीक है। 35-45 इधर कहीं पे, इधर कहीं पे, रुको और जस्ट यहाँ पे। वेयर इज द गीगा? सुपर रेयर गीगा कहाँ है? या सुपर रेयर रेक्स दिख रहा है मेरे को। 35-45 ये अभी का मैसेज है, पुराना वाला मैसेज है गाइस? ये अभी वाला मैसेज है क्या या पुराना मैसेज है गाइस? ये 35-45 है ना, कुछ भी नहीं है। गीगा होता तो मेरे को दिखाई देता है यहाँ पे, गीगा होता तो दिखाई देता। मैं भी किसी ने टेम कर लिया हो भाई। थर्टी फाइव और 45 सही है। यस, मैं तो यहीं पे हूँ गाइस। यहाँ कोई गीगा तो नहीं दिख रहा। मैं भी ये मैसेज जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा पुराना वाला होगा जो मैंने अभी देखा जस्ट। शायद से किसी ने भाई इसको टेम भी कर लिया हो। हाँ यार यहाँ पे कहीं पे था वो गीगा, यहाँ कहीं गीगा था और मैं भी उसको टेम कर लिया। यहाँ पे फायर ग्रिफिन एक और है भाई। वाह भाई वाह, कोई गीगा दिख नहीं रहा ना। रुको मैं थोड़ा आजू बाजू देख लूँ। सुपर रेयर गीगा, सुपर रेयर गीगा भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। बट यस गाइस उसको टेम कर लिया। चलो कोई ना यार, कोई ना, कोई सीध नहीं। चलो अभी हम लोग चुपचाप से घर पे चलते हैं। मुझे लगा यार अभी वाला मैसेज, शायद ये मैसेज जो ना गाइस थोड़ा सा पुराना वाला है, मैंने अभी देखा है उसको। चलो कोई सीध नहीं है, अभी जल्दी जल्दी से जो ना गाइस हम लोग चलते गए हमारे घर पे भाई, ठीक है। लेट्स गो।
इसको मैं बाहर निकाल दूँ और मुझे ना स्पीड बूस्ट देना है गाइस, ग्रिफिन को रुकना गाइस। स्पीड बूस्ट जो है वो हम कहाँ पे बना सकते हैं? इसमें स्पीड बूस्ट तो है, इतना तो मेरे को पता है भाई, लेकिन बना कहाँ सकते हैं ये पता नहीं मेरे को। स्पीड बूस्ट डायनो मूवमेंट 400, डायनो मूवमेंट 500, डायनो मूवमेंट स्पीड 500 ना, डायनो मूवमेंट स्पीड 400, इससे ऊपर डायनो मूवमेंट स्पीड प्लस टर्निंग इफ कस्टम कैन बी इक्विप्ड डायनो मेक फास्टर एंड टर्न मच बेटर मेक। अच्छा टर्निंग वाला भी है, 500 मूवमेंट स्पीड ना, और टर्निंग वाला 500 मूवमेंट स्पीड और टर्निंग वाला बनाता हूँ मैं डायनो वाला, ठीक है 500 वाला भाई, 500 ये हमारे ग्रिफिन को मैं डाल दूंगा, हमारे ग्रिफिन को बना दूंगा मैं, इससे हमारा ग्रिफिन जो है गाइस एकदम तेज बन जाएगा, एकदम भाई सुपर फास्ट बन जाएगा। रुको इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ गाइस ये वाला यहाँ पे आराम से, कितनी स्पीड है? ओए ओए भाई साहब, भाई आप भाई बेटर तो हो गया भाई ग्रिफिन अपना काफी ज्यादा बेटर हो गया भाई, भाई स्पीड तो भाई क्या ही बताओ, स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है भाई, पानी में गिर गया भाई, इतनी ज्यादा तेज हो गई है भाई स्पीड देख रहा है यार कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है। टाइम बॉम्ब तेज नहीं है, 4 मिलियन का डैमेज जा रहा है, 5 मिलियन तो ऐसे ही पहुंच जाएगा मुझे लग रहा है, 5 मिलियन तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, इजी पीजी हो जाएगा इसका 5 मिलियन तो, 5 मिलियन तो इजी पीजी हो जाएगा। इसके अंदर थोड़े से एक्सपी पोशन डालू क्या मैं? ये वाला एक्सपी पोशन है और कोई नहीं है मेरे पास तो। अच्छा यूज एक्सपी पोशन मेरे पास एक पड़ा हुआ है, वो भी इसको खिलाता हूँ। इसकी ना थोड़ी सी गाइस लेवल अप हम करते हैं और देखते हैं हमारे ग्रिफिन का डैमेज कितना जा रहा है। फायर वाला अटैक जो है उसका 6 लाख का डैमेज जा रहा है यार, उतना ज्यादा डैमेज नहीं जा पा रहा है। इसको मार सकता हूँ क्या भाई? कैसा है मैं कारनो को मारने लायक अभी तक मैं पावरफुल नहीं हूँ यार। यूज एक्सपी पोशन खिलाने के बाद भी 7 लेवल अप पॉइंट मिले इसको, चलो कोई ना, 5 मिलियन डैमेज तो भाई मेरे ग्रिफिन का जाना चाहिए कम से कम, ठीक है 5 मिलियन डैमेज देखते चलो 5 मिलियन डैमेज जो है इसका जा रहा है कि नहीं। अरे यार रुकना यहाँ पे जो डायनोज है उनको मारते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से इसका 5 मिलियन डैमेज इजी पीजी जाने वाले, कितना जा रहा है 5.6 मिलियन डैमेज, लेट्स गो। ठीक है तो हमारा ग्रिफिन काफी खतरनाक हो चुका है, लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है कि किसी प्राइमल वगैरह को मार सके। एक मिनट रुक जाओ, मैं इनको मार के ना लेवल अप कर सकता हूँ बढ़िया वाली, ठीक है। ये जो पानी के अंदर आप देख रहे हो मछलियाँ, इनको मार के ना लेवल अप तो होती है तगड़ी वाले को। रुकना इनको हार्वेस्ट भी कर पाऊंगा और लेवल अप भी हो जाएगी। कितनी होगी भाई? 2 लेवल अप ओनली, 3 लेवल अप, 6 मिलियन जाएगा अभी अपना डैमेज भाई। ओए 200 स्पॉन हो गया यहाँ पे इटर्नल वाला, ये ले भाई तू भी मर जा चल भाई, लाड में स्पॉट हुआ था भाई। ये कौन है भाई? प्राइम मौत को मारते रुको गाइस, प्राइम वाली मौत को भाई मारने से क्या स्पॉन होगा यहाँ पे? कोई स्पॉन ही नहीं हुआ यहाँ पे यार, ये पानी में टच करने से ना लेकिन गाइस गिर जाता है यार ग्रिफिन। प्रामुल फेयर वाले ग्रिफिन की ना एक ही ये प्रॉब्लम है, पानी में टच करने से ना भाई ये ग्रिफिन जो है गाइस गिर जाता है। चलो कोई ना, मुझे ब्लड मिला है थोड़ा सा, वो मैं ले लेता हूँ। और गाइस आप देख ही सकते हो भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक वाली बारिश आ रखी है भाई, आपको आवाज़ भाई हमारी रिकॉर्डिंग में भी सुनाई दे रही होगी भाई, ठीक है। चलना भाई लोग, अभी मैं देखता हूँ गाइस इसका डैमेज कितना जा रहा है इतनी लेवल अप के बाद, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली लेवल अप तो मैंने कर दी है। इसका बेसिक अटैक जो है उसका डैमेज मैं दिखाता हूँ आपको, बेसिक अटैक का 4.5 लाख का डैमेज जा रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है। डाइव बॉम्ब वाला अटैक जो है उसका 6.2 मिलियन डैमेज, बढ़िया यार एक नंबर। और फायर अटैक का 6 लाख का डैमेज जा रहा है, 6 लाख 9 लाख का जो डैमेज है वो इसके फायर वाले अटैक का जो है गाइस यहाँ पे जा रहा है, ये देखना 9 लाख का डैमेज जा रहा है इसके फायर वाले अटैक का, बढ़िया यार मजा आ गया भाई मजा आ गया। हमारे पास हमारा फर्स्ट फायर ग्रिफिन जो है गाइस वो आ चुका है, और ये मेरा जो ना गाइस फेवरेट ग्रिफिन है आर्क प्रामल फियर में। तो इस ग्रिफिन के लिए ना बढ़िया और ओपी वाले नाम जो है वो नीचे कमेंट में डाल देना गाइस, ठीक है। एकदम खतरनाक एंड ओपी वाले नाम हमारे इस ग्रिफिन के लिए ना मुझे नीचे कमेंट में चाहिए, और जिसका भी बढ़िया नाम रहेगा वो नाम मैं अपने इस ग्रिफिन को दे दूंगा और आपको शाउट आउट जो है गाइस वो भी मिल जाएगा। बाकी आज का ये वाला जो एपिसोड है वो हो जाता है गाइस यहीं पे खत्म। अगले एपिसोड में मैं आपको टाइटन गॉड जो है गाइस वो दिखाने वाला हूं, तो अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बाकी मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय गाइस। You and me, and how careless we yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk
and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.